दूसरा सेशन भी चौथे दिन का पूरा नहीं खेलने दिया इंडिया ने, और ये भी मेहरबानी है, मुझे तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली ना, मुझे पता क्रिकेट क्या होती है। ये सिर्फ वो बोल सकता है जिसने टेस्ट क्रिकेट खेली है, वही लिख सकता है, वही सब कुछ कर सकता है, जैसे विक्रांत गुप्ता साहब है और बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट है वो क्रिकेट खेले हुए हैं, टेस्ट मैच 400 और 2 लाख रन उन्होंने किया, हमें क्या पता क्रिकेट क्या होती है। एनीवेज, आपके कप्तान रोहित शर्मा की मेहरबानियां रही इन पे, नवाजशें रही, इनायतें रही के ये 292 तक करने में कामयाब हो गए। माना कि एशियन कंडीशंस है, माना कि घर पे खेल रहे हैं, मगर जैसी मर्जी पिच हो, पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, बावजूद सारे डिपार्टमेंट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और ये एक इनर बिलीफ जो होता है ना, वो आपको आगे लेके चलता है, आप अपने आप को बैक करते हैं, और एक कामनेस जो क्रिएट किया है रोहित शर्मा ने एज अ लीडर, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप ग्राउंडेड रहे, आप मैच जीत रहे हैं, आपका फोकस ऑफ ना हो, उसके अलावा हर सिचुएशन को उस दिन उसका मुकाबला करना है और कोई चीज फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है। ये फॉर्म बड़ी जल्दी आती भी है और बड़ी जल्दी चली भी जाती है। चले अब चलते हैं प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। की सीम बहुत ही जबरदस्त है, एक तरह से बॉल जो है वो परफेक्टली पिच होता है सीम के ऊपर, उसी वजह से इनको मूवमेंट मिलती है, और फिर राइट और लेफ्ट हैंड दोनों के अगेंस्ट बहुत अच्छी नेचुरल लेंथ पे ये बॉल करते हैं। हमारे बॉलर्स बुमराह की तरह बॉलिंग क्यों नहीं करते? उनका पेस ज्यादा है, मगर उनका क्या स्किल की कमी है, क्या वजह है, या फोकस कहीं और है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। बुमराह इज प्रॉब्ली वन ऑफ अ काइंड, दुनिया में कोई उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा कि हमारे क्यों नहीं करते। हमारे लंबी क्रिकेट हम खेलते हैं, बुमराह टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, अब इंजरी के बाद आके अभी तो वनडे खेल रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, उसमें भी उतना ही सक्सेसफुल है। सो जब तक आप लंबी क्रिकेट में आउट नहीं करोगे, पांजे आके नहीं लगाओगे, तो आपका वो बैट्समैन को फॉक्स आउट करना, स्पेशली जय हिंद दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सेकेंड टेस्ट मैच को 106 रन से जीत लिया, और अब भारत ने पीछे से आकर इस सीरीज को इंग्लैंड के साथ 1-1 से बराबरी कर ली। वहीं पर जसप्रीत बुमराह और अश्विन ने मिलकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी, जहां पर पूरी टीम 292 पर ही ऑल आउट हो गई, जहां पर ब्रेंडन मैकलम ने यह कहा था कि हम इस रन चेस को आराम से कर लेंगे, पर जिस तरह कैसे इंग्लैंड के बैट्समैन पैनिक कर गए और उन्होंने जसप्रीत बुमराह और अश्विन के सामने सरेंडर कर दिया। विशाखापट्टनम की चौथी दिन की पिच इतनी स्पिन फ्रेंडली नहीं थी, ना कि सीमिंग विकेट थी, ये पूरी एक फ्लैट विकेट बन चुकी थी, और जो भी इस पे आ रहा है वो आसानी से रन बना रहा है। पर जैसे ही इंडियन बॉलर्स ने लाइन एंड लेंथ पकड़ी, इंग्लैंड के बैट्समैनों को इस पे रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया, जहां पर उन्होंने आनन पानन में शॉट खेलकर आउट होते रहे और बेसबॉल को भारत में एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया और वर्ल्ड मीडिया कह रही है कि अगर ऐसे ही इंग्लैंड बेफिकर होकर खेलती रही तो वो भारत में एक भी मैच नहीं जीत पाएंगी, जहां पर पहले तुक्के से ओली पॉप के 200 के कारण वो भारत को भारत में हरा पाई, पर हर दम ऐसा नहीं होगा। इंग्लैंड को सेंसिबली खेलना होगा, अगर उन्होंने सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेला तो इनका हाल भी यही होगा आने वाले सीरीज में, और वो सीरीज को भारत से बुरी तरह हार जाएंगे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, धन्यवाद। 4 दिन पूरे में इंग्लैंड ने जीता था इंडिया से 28 रन से, और दूसरा सेशन भी चौथे दिन का पूरा नहीं खेलने दिया इंडिया ने, और ये भी मेहरबानी है, मुझे तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली ना, मुझे पता क्रिकेट क्या होती है। ये सिर्फ वो बोल सकता है जिसने टेस्ट क्रिकेट खेली है, वही लिख सकता है, वही सब कुछ कर सकता है, जैसे विक्रांत गुप्ता साहब है और बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट है वो क्रिकेट खेले हुए हैं, टेस्ट मैच 400 और 2 लाख रन उन्होंने किया, हमें क्या पता क्रिकेट क्या होती है। एनीवेज, आपके कप्तान रोहित शर्मा की मेहरबानियां रही इन पे, नवाजशें रही, इनायतें रही के ये 292 तक करने में कामयाब हो गए। रिजवान साहब, मैं इस पे अगर किसी ने ये, आज मैं आपको बता दूं, आइंदा मुझसे कोई प्रिडिक्शन कोई नहीं मांगेगा, ना मैं दूंगा प्रिडिक्शन, सिंपल इज दैट।
मैं भी 50 बातें करूंगा गोल मोल सी कि ये होगा, ये वाले यूं करते हैं तो इस तरह होगा, इस तरह नहीं तो चांद नीचे आएगा, चांद नहीं तो सूरज पतली गली से निकलेगा। इनफैक्ट सबको इंडिया के लेवल पे आके अब खेलना है, एक तरह से टेम्पलेट सेट कर दिया उन्होंने। माना कि एशियन कंडीशंस है, माना कि घर पे खेल रहे हैं, मगर जैसी मर्जी पिच हो, पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, बावजूद सारे डिपार्टमेंट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और ये एक इनर बिलीफ जो होता है ना, वो आपको आगे लेके चलता है, आप अपने आप को बैक करते हैं। और एक कामनेस जो क्रिएट किया है रोहित शर्मा ने एज अ लीडर, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप ग्राउंडेड रहे, आप मैच जीत रहे हैं, आपका फोकस ऑफ ना हो। उसके अलावा हर सिचुएशन को उस दिन उसका मुकाबला करना है और कोई चीज फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है। फॉर्म बड़ी जल्दी आती भी है और बड़ी जल्दी चली भी जाती है, बहुत ही जबरदस्त है। एक तरह से बॉल जो है वो परफेक्टली पिच होता है सीम के ऊपर, उसी वजह से इनको मूवमेंट मिलती है। और फिर राइट और लेफ्ट हैंड दोनों के अगेंस्ट बहुत अच्छी नेचुरल लेंथ पे ये बॉल करते हैं। बेंच से उठ के अब एक तरह से मैच विनर किला शिकवा नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस से बता रहे हैं कि कितने बड़े वो बॉलर हैं और इस टीम को लेके आगे चल रहे हैं। और आज की पिच पे जहां पे इतना ज्यादा कोई घास नहीं था, वहां पे इन्होंने इंग्लैंड को बिल्कुल एक तरह से फ्लैट करके रख दिया। हमारे बॉलर्स बुमराह की तरह बॉलिंग क्यों नहीं करते? उनका पेस ज्यादा है, मगर उनका क्या स्किल की कमी है, क्या वजह है, या फोकस कहीं और है? जाजत इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। बुमराह इज प्रॉब्ली वन ऑफ अ काइंड, दुनिया में कोई उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा कि हमारे क्यों नहीं करते। हमारे लंबी क्रिकेट हम खेलते हैं, बुमराह टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है। अब इंजरी के बाद आके अभी तो वनडे खेल रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, उसमें भी उतना ही सक्सेसफुल है। तो जब तक आप लंबी क्रिकेट में आउट नहीं करोगे, पांजे आके नहीं लगाओगे, तो आपका वो बैट्समैन को फॉक्स आउट करना, स्पेशली आफ्टर 10 टिल द 40th ओवर इन ओडीआई, can get difficult. That's where the problem is. Length consistent थोड़ा नहीं है। थोड़ा सा action भी वसीम है, मेरा ख्याल है उसका थोड़ा सा change है। Very odd action. Conventional bowlers का different action, yeah. तो उससे भी उसको naturally help जरूर मिलती होगी। मगर उसके साथ control रखना, बाहर अंदर pace, yorker, bouncer, it's just complete. Yeah. बात ये है कि ये कह देना, it is very easy to say कि उसने इतने test खेले हैं राहुल द्रविड़ ने, तो जिसने test किया फिर तेंदुलकर से ज्यादा तो किसी ने भी नहीं खेले। अपनी नॉलेज देते हैं, अपना कैरियर एट स्टेक रखते हैं, ये नहीं सुबह दोपहर शाम रात को कोई माई का लाल बता दे जिसने कहा होगा कि बुमराह अश्विन जिसने पहली इनिंग में एक विकेट ना लियो उसका नाम लिया जा रहा हो। कोई माइकल हाल टेस्ट मैच इंडिया को हरा दे इंग्लैंड, और ना केएल हो ना जडेजा, चले रोहित तो विराट तो छोड़े, और मुकेश कुमार खेल रहा और वो ये कह दे कि इंडिया इनको हरा देगा, इंडियन बॉल होगा, उसके लिए टेस्ट खेलना। पहले यहाँ एक जर्नलिस्ट था, वो हमें जर्नलिज्म की सर्टिफिकेट देता था। आप कुछ आते हैं जिन्हें घर वाले माता पिता रजाद छोड़ते हैं 10 रुपए के चाय का कप देने के लिए, वो आप आके बातें